हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि आप अपने ब्लॉगर साइट का यहाँ पे जो भी कोड है, HTML कोड है, उसे आप कंप्रेस करके अपने वेबसाइट की स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। अगर आप गूगल में रैंक करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि स्पीड भी एक रैंकिंग फैक्टर होता है। यदि आपकी वेबसाइट फास्ट ओपन होती है तो आपके जो आर्टिकल होते हैं वो एक रैंकिंग फैक्टर में आते हैं, मतलब वो रैंक होने के उनके चांसेस जो हैं बढ़ जाते हैं। अब कैसे आप अपने HTML कोड को यहाँ पे कंप्रेस करेंगे ब्लॉगर में, ये सारी चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं। इस वीडियो को पूरा देखिएगा अगर आप एक ब्लॉगर यूजर हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर आप कॉमेंट करके इस वीडियो को ग्रो करने में मदद करिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ब्लॉगिंग के बारे में सीखना है। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ओके दोस्तों, अभी मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पे एक दिन पहले वीडियो बनाया था कि आप कीवर्ड प्लेसमेंट अपने ब्लॉग पोस्ट के अंदर कैसे कर सकते हैं, कीवर्ड डेंसिटी आप कितना रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने बताई हैं। प्रैक्टिकल वीडियो है, इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ ही साथ आई बटन पर। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। तो हमारा एक ब्लॉग है जो कि डेमो ब्लॉग है, ब्लॉगर पर केवल आप लोगों को बताने के लिए ये मैंने साइट रखी है। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल वैसे ही हैं और उसके बाद यहाँ पे ब्लॉगर का हमारा डैशबोर्ड है। अब इसको हम कंप्रेस करेंगे। इसको कंप्रेस कैसे करना है, आपको सबसे पहले थीम सेक्शन में जाना है। थीम सेक्शन में जाने के बाद कोई भी चीज़ें कोडिंग में छेड़खानी करने से पहले आपको मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको यहाँ पर बैकअप ले लेना है। तो बैकअप लेने के लिए बेसिकली थीम में आइए। थीम में जाने के बाद यहाँ पे कस्टमाइज के बगल में एरो है, डाउन एरो है, इस पर क्लिक करिए और बैकअप पर क्लिक करिए। आपका कोड का जो भी बैकअप है वो हो जाएगा। बैकअप लेने के बाद अगर आप जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सिंपली अपने बैकअप से आप उसे रिस्टोर कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, एडिट HTML में जाना है। अब एडिट HTML में जाने के बाद आपके सामने आपकी पूरी कोडिंग शो हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसे पूरा सिलेक्ट करना है। पूरा सिलेक्ट करने के लिए एक बार आप कर्सर बीच में, कोड के बीच में कहीं क्लिक करिए और कंट्रोल ए दबाइए। अब कंट्रोल ए दबाने से पूरा कोड सिलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल सी दबा के आप अपने कोड को कॉपी कर लेंगे। कॉपी होने के बाद अब आपको एक वेबसाइट पे जाना है जिसका नाम है html compressor.com। तो इस पेज का जो URL है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से इस पर आप विजिट कर सकते हैं। अब बेसिकली यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप अपने कोड, जो भी आपका कोड है उसे पेस्ट करिए। जो भी यहाँ पे कोड हमने कॉपी किया है उसे हम यहाँ पे पेस्ट करने से पहले एक चीज़ बता दें, आप यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा। यहाँ पे कोड जो है आप 30,000 बाइट्स तक ही आप यहाँ पे एक बार में कंप्रेस कर सकते हैं, और इससे ज़्यादा अगर मेरा यहाँ पे बाइट एक बार ज़्यादा था तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गई थी। तो आपको यहाँ पे कंप्रेस करने के लिए थोड़े थोड़े कोड यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़े थोड़े कोड को आपको सबसे पहले कंप्रेस करना होगा। जैसे मैं 24 तक यहाँ पे कोड को यहाँ पे 25 तक यहाँ पे कंप्रेस करूँगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं, इसे कॉपी कर सकते हैं कंट्रोल सी से, और कॉपी करने के बाद सिंपली आपको कंप्रेसर में चले जाना है और सोर्स में उस कोड को पेस्ट कर देना है। अब इतना मैंने पेस्ट कर दिया। अब आपको बेसिकली करना क्या है, यहाँ पे शो ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और देख लेना है ये सारे जो मेरे में टिक मार्क हैं ये होने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद ये टिक मार्क होने के बाद आपको सिंपली कंप्रेस बटन पर क्लिक करना है, और आपका कंप्रेसिंग देखिए यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। अब कंप्रेस होने के बाद यहाँ पे देखिए डाउनलोड हेयर, अब इस कोड को आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह सेम जैसे मैंने बताया, अब ये 25 तक था, यहाँ से आप देख सकते हैं 1 से लेकर ये 25 तक मैंने यहाँ पे कंप्रेस कर लिया। ऐसे ही धीरे धीरे करके आपको पूरा यहाँ पर जो भी कोड है सबको आपको कंप्रेस कर लेना है, और बारी बारी आप नोट पैड ओपन कर लीजिएगा। ये जो डाउनलोड होगा इसमें जो कोड होगी उसे आपको सिंपली यहाँ पे अपने यहाँ पे आना है, कंट्रोल ए दबाना है और इसे डिलीट कर देना है। और जो भी जितने भी आपका कोडिंग था उसे जिसे आपने कंप्रेस किया है और डाउनलोड किया है
उसे बारी बारी आपको ध्यान रखना होगा, पहले मैंने किसे कंप्रेस किया। तो इसे मैंने पहले कंप्रेस किया, तो यहाँ पे डाउनलोड कर लेना है इसे। तो यहाँ पे हमारा देख सकते हैं ये कंप्रेस्ड जो फाइल है यहाँ पे आ चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं ये डाउनलोड भी हो चुका है XML फाइल में। तो सिंपली आपको कुछ करना नहीं है, एक नोटपैड ओपन करना है और बारी बारी XML जो भी कोडिंग आपने यहाँ पे कंप्रेस करी है उसे कॉपी कर लेना है यहाँ से। अब देखिए यहाँ पे कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी आप प्रेस करेंगे, और कॉपी करने के बाद सिंपली आपको जाना है यहाँ पे पेस्ट कर देना है अपने ब्लॉगर के जो HTML कोड है आपका यहाँ पे लाना है। और बारी बारी से ये देखिए 25 तक मैंने कंप्रेस कर दिया है, ऐसे ही आपको टोटल कंप्रेस कर लेना है। कंप्रेस करने के बाद सिंपली सेव बटन पे क्लिक कर लेना है, आप देखेंगे आपकी साइट की स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो बेसिकली यही है, इस कोड के थ्रू, इस साइट के थ्रू आप अपने ब्लॉग के जितने भी कोड हैं उसे कंप्रेस करके अपनी साइट की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैंने आपको एक तरीका बता दिया कैसे करते हैं, आई होप इतना आप समझ गए होंगे कि कैसे कंप्रेशन होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।